वहीं पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती जिले पुंछ में पिछले एक हफ्ते से लगातार भारी गोलीबारी जारी है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ अब स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो रहा है और ऐसे में अध्यापक भी लगातार इस गोलीबारी से लाचार हो चुके हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं और अध्यापक इन बच्चों को खौफ के साए में पढ़ाने पर मजबूर हैं। अध्यापकों की माने तो पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में कई बार स्कूल इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से कोई लिखित पत्र नहीं मिला जिसके बाद वो स्कूल को बंद कर सकें। अध्यापकों के मुताबिक सीमा पर खराब हालात के बावजूद भी उन्हें बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जान हथेली पर रखकर स्कूल आना पड़ता है। एलओसी के करीब है, यहाँ आए दिन जो है गोले लगते हैं। 8 और 9 जुलाई को भी यहाँ गोले बरसे, जिसमें हमारे स्कूल का बहुत नुकसान हुआ। हमारी ये 2-3 बिल्डिंग जो है बिल्कुल डिमेज हो गई हैं। उसके बाद ये स्कूल जो हमने ठीक करवाया, यहाँ ग्रिल लगाई, दरवाजे लगाए, तो उस आए दिनों जो है गोले लगते रहते हैं। पिछले दिनों में यहाँ गोले लगे तो हमारा स्कूल एक दिन बंद रहा 5 तारीख को, तो उसके बाद आज रात भी यहाँ फायरिंग हुई है। ये पिछले हमारे लड़के बेचारे आते हैं लेकिन डर के मारे ये नहीं आ सकते स्कूल की। हमारी तादाद तो ठीक है, लेकिन इधर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की तरह में हो तो सर यहाँ पे फायरिंग बहुत ज्यादा होती है। फायरिंग का कोई टाइम टेबल नहीं, किस वक्त भी हो जाए, क्या वर्किंग डेज में, क्या हॉलीडेज में, सभी में होती है। पहले में जब हुई थी तो तब छुट्टियां थी और ये स्कूल फुली डैमेज है, आपने देखा नहीं है शायद, यहाँ पे ऊपर से भी लेंटर पूरा टूटा हुआ, ये दीवारें खिड़कियां सब कुछ टूटा था। तो तब ये था कि स्कूल में छुट्टियां थी तो उस वजह से बच्चे बच के, आज भी सुबह फायरिंग हुई तो बच्चे हमारे जो स्कूल के थे वो रास्ते से कुछ वापस गए, कुछ को पेरेंट्स ने भेजा ही नहीं। तो उसके बाद जब फायरिंग होती है तो स्कूल, हमें तो स्कूल आना ही आना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें कोई ये नहीं दिया, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है,